नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है संत कबीर जयंती। कबीर साहब का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा 1398 को हुआ था। पाखंड आडंबर और समाज में फैली कुरीतियों के विरोधी थे। उन्होंने समाज में बराबरी और सामाजिक समानता के लिए काम किया। हर बुरी से बुरी कुरीति का बेखौफ विरोध किया। एक घटना प्रस्तुत है कि श्राद्ध के दिन थे, उनके गुरुजी रामानंद जी ने कबीर साहब से कहा कि खेत ले आओ, पुरुषों को छक्का नहीं है, पितरों को। तो कबीर साहब जी दूध लेने निकल पड़े तो रास्ते में गाय मरी हुई थी। तो कबीर दास जी वहाँ रुक गए और वहाँ आसपास से घास तोड़ा और गाय के आगे रख दिया और दूध का बर्तन लेकर वहीं बैठ गए। काफ़ी देर हो गई, कबीर साहब वापस नहीं आए। तो गुरु जी ने कहा कबीर साहब नहीं आए और पितरों को अर्घ सबकाने का टाइम हो गया है, तो वो भी पीछे पीछे चल दिए। तो क्या देखते हैं कि कबीर साहब जी बैठे हैं, गाय मरी हुई है, गाय के आगे चारा रखा हुआ है। तो रामानंद जी ने कहा कबीर दूध लेकर नहीं आए, यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहा कि गाय चारा खाएगी फिर दूध देगी तो मैं दूध लेकर आ जाऊँगा। तो गाय तो मरी हुई, दूध कैसे देगी? तो कबीर साहब ने कहा कि ऐसे ही जैसे 100 साल पहले मरे पितरों को अपन जो श्राद्ध करते हैं वो पहुँच जाता, वैसे गाय चारा खाएगी, ये तो कल की मरी हुई है, तो फिर इसको तो जिंदा होना ही है। तो इतना सुनते ही संत कबीर रामानंद जी मौन हो गए और अपना भूल का एहसास हुआ। तो कबीर साहब जी ने अपने जीवन में इस तरह से समाज को जागृत करने का बहुत सा काम किया, आजीवन काम किया। कबीर साहब जी ने लिखा, जाते ने पूछो साधकी पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को पड़ा रहे दो ज्ञान। ऐसे इस प्रकार उन्होंने व्यक्ति को महत्व दिया, जाति को महत्व नहीं दिया। ऐसे फिर चमत्कार कोई कर देगा, ये भ्रम सबने पाला है, बिना जलाए दीपक देखो फैला नहीं उजाला है। तो चमत्कार होता नहीं है और चमत्कार करने के लिए काम करना पड़ता है और दिया जलाएंगे तभी अंधकार भगता है। इसी प्रकार हम अपने बुद्धि को जागृत करेंगे तभी हम क्या है बुद्धिमान होंगे, आगे बढ़ने के अपने अपना को जागृत कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार कबीर साहब जी ने आजीवन अपने लेखनी के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया और मृत्यु तक, जैसे कि प्रचलित है कि काशी में करोड़ लेकर लोग मरते थे, कहते थे कि स्वर्ग में जाएंगे, तो वो काशी में रहने वाले कबीर साहब ने कहा कि मैं काशी में नहीं मरूंगा, मृग मगहर है, मगहर के वहाँ पर जाने वाले नरक में जाते। तो कबीर साहब जी मृत्यु के समय उनको एहसास हो गया कि अब मेरा शरीर नहीं रहने वाला है, तो मगहर जाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस प्रकार उन्होंने हर तरह से समाज को कुरीतियों से निकालने का काम किया। ऐसे महान संत को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। कहानी या प्रसंग अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को फॉलो करें बेल बटन के साथ। आगे आने वाले समय में और भी वीडियो आएंगे आपको, ताकि आपके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। संत कबीर साहब को कोटि कोटि नमस्कार।